अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में। सिलेक्शन स्ट्रक्चर ये होता है, अगर हम प्रोग्राम में इंटर होते हैं तो प्रोग्राम से हम सवाल पूछ सकते हैं, मतलब एक कंडीशन लिख सकते हैं। हम कंडीशन लिख देते हैं कि अगर कोई बच्चा 40% से प्लस मार्क्स लेता है तो पास हो, अगर नहीं लेता तो ना पास हो। तो इस तरह चलेगी, अगर 40% मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा आते हैं तो ड्रॉ होगी और एक्शन 2 परफॉर्म होगा। अगर 40 से कम आते हैं तो फॉल्स होकर एक्शन 1 परफॉर्म होगा, उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर 3 टाइप्स के होते हैं, पहले इफ एल्स, दूसरा स्विच और तीसरा टर्नरी ऑपरेटर्स। तो अब हम बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है, मान लो आप 12 के स्टूडेंट हो, तो इफ स्टेटमेंट इस तरह काम करेगी, अगर आपके 40 मार्क्स आते हैं तो आप पास हो, अगर 40 से कम के सब्जेक्ट में आते हैं तो आप फेल हो। लाइक हम कर लेते हैं इंट, एक इंटीजर लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं, मार्क्स रख लेते हैं, सी आउट मार्क्स, ओके, इनपुट लेते हैं मार्क्स। तो अब हम लगाते हैं इफ, अगर जो हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 है तो आउटपुट करवा दो पास। इफ अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो लेस देन 40 हैं आउटपुट करवा दो फेल। अगर रन करते हैं, मार्क्स देते हैं 50, तो ये शो करवा देगा पास हो। अगर हम देते हैं 40 से लेस 35 देते हैं तो ये हमें शो करवा देगा फेल। तो ये हम दो दफा इफ लगाया हुआ है, तो अगर प्रोग्राम चलेगा, मार्क्स देखेगा, अगर वो 40 से बाप भी होंगे तो नीचे वाले इफ को भी चेक करेगा। तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं एल्स इफ की बजाय। तो ये करेगा, अगर मार्क्स 40 या 40 से प्लस है तो ये इफ वाली स्टेटमेंट चला देगा, अगर इससे कम है तो वो ये एल्स चला देगा। तो इससे ये होगा, अगर इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, अगर इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं नेस्टेड इफ के बारे में। तो वो कैसे यूज करते हैं, मान लो मार्क्स और उसका ग्रेडिंग, मार्क्स के हिसाब से ग्रेडिंग लगानी है तो उसके लगाएंगे, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं तो आपका आएगा ए ग्रेड, ए ग्रेड आ गया। लगाएंगे नेस्टेड इफ एल्स एफ, एल्स एफ मार्क्स मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है तो ये हमें सी आउट शो करवा दे बी ग्रेड। इसी तरह अगर एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो ये हमें शो करवा दे कि आपका ग्रेड सी है। डिग्रेड के लिए अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो ये हमें शो करवा दे आपका ग्रेड डी है। बार बार हम इफ लिखें, एल्स लिखें तो उसके बजाय हम एल्स इफ लिख लें, ये ज्यादा बेहतर होगा। चलो रन करके देख लेते हैं। लेते हैं तो ये हमें शो कर देगा ए ग्रेड, अगर 65 लेते हैं तो ये हमें शो करवा देगा बी ग्रेड आपका, तो हमारा सी ग्रेड कहाँ पे था, 50 से 65 के दरमियान था सी ग्रेड, 55 पे ये शो करवा देगा सी ग्रेड। और अगर हमारे 40 मार्क्स आएंगे
तो ये हमें शो कर देगा हमारा डी ग्रेड है, और अगर 40 से कम आएंगे तो ये हमें शो कर देगा भाई आप फेल हो। तो अब हम बात कर लेते हैं स्विच के बारे में। स्विच किस तरह काम करते हैं वो देखते हैं। हम एक करेक्टर लेते हैं, कोई भी नाम रखते हैं, सी एच करते हैं, सी आउट। पूछ लेते हैं ग्रेड इंटर करवाओ, इंटर द ग्रेड, आप कौन सा ग्रेड है, ग्रेड से हम जीपीए बनाएंगे। तो यहाँ पर हम स्विच लगाते हैं, स्विच, और फिर जो भी हमने वेरिएबल का नेम रखा होगा, हम सी एच रखा हुआ है, तो हम पहले लिखेंगे केस। पहले केस में अगर हमारा ग्रेड आता है ए ग्रेड आता है तो फिर हम सी आउट करवा देंगे फोर जीपीए मान लो, और फिर उसके बाद लगाएंगे ब्रेक। फिर तक केस अगला केस टू में चले जाते हैं, केस आ जाता है हमारे पास बी, तो उस सी आउट करवाएंगे हम 3 GPA, फिर लगाते हैं ब्रेक। अगर हमारा ग्रेड आता है सी तो हम सी आउट करवाएंगे 2 GPA देन ब्रेक। अगर हमारा ग्रेड सी आता है और डी आता है तो हम सी आउट करवाएंगे 1 GPA और फिर ब्रेक। अगर हमारा ग्रेड एफ आता है तो हम सी आउट करवाएंगे 0 GPA और फिर ब्रेक। तो अगर हम इनवैलिड आउटपुट होते हैं उसके लिए हम लिखेंगे डिफॉल्ट, लिखना लाजमी होता है स्विच में, सी आउट करवाएंगे इनवैलिड इनपुट। इसके बाद ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम जब हम चलाते हैं अपने प्रोग्राम को तो हमसे ग्रेड पूछता है, हम ए ग्रेड लिखते हैं तो हम चलेगा 4 GPA। इसी तरह हम डी लिखते हैं तो हमें बता देगा 1 GPA। इसी तरह हम F लिखते हैं तो बता देगा 0 GPA। अगर F के अलावा कोई लिखते हैं लाइक R लिख देते हैं, E लिख देते हैं, इनवैलिड इनपुट दे देगा। तो ये हम लगाते हैं हर केस का ब्रेक। तो ये ब्रेक का क्या फ़ायदा होता है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाते, मान लो कि हमने ब्रेक नहीं लगाई, इसको हम कमेंट कर देता हूँ ब्रेक को, तो ये होगा क्या, अगर हमारा ए ग्रेड है तो ये 4 GPA अगर 3 GPA भी शो करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि जब ब्रेक नहीं, वो अगले में चला जा रहा है अगले केस में, तो ब्रेक लगाना लाजमी होता है स्विच के केस में। तो अब हम बात कर लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। तो टर्नरी ऑपरेटर में बेसिकली इफ एल्स की तरह ही काम करता है, लाइक हम हमारे जो पहले एग्जाम्पल थी इफ एल्स में 40 marks आते हैं तो पास, अगर 40 कम आते हैं तो फेल। लेकिन टर्निंग ऑपरेटर ज़्यादातर कंपिटिटिव प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। टर्निंग ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं बताता हूँ, यहाँ पे लगाते हैं अगर मार्क्स, ब्रैकेट लगाते हैं पहले, अगर मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 हो तो फिर ये टर्निंग ऑपरेटर के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, सी एम करवा देंगे पास अगर हमारी कंडीशन सही होती है, अगर फॉल्स होती है तो फिर ये सी आउट करवा दे फेल। तो हम इधर रन करके देख लेते हैं, अगर हम 50 देते हैं तो ये हमें करवा देगा शो पास,
इसी तरह हम अगर 40 से कम देते हैं 35 तो ये हमें शो कर देगा फेल।